अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शोभा यात्रा निकालते हैं पूरे देवास शहर के अंदर हम अपने भगवान झूलेलाल की जयंती का अवसर पर। प्रकट हुए और मछली पर होते हुए नीले घोड़े से सवार होकर मीर शाह से के पास गए और उन्होंने कहा कि गाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सब मुझे क्षमा करें और भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। एक बार दोनों हाथ खोलकर बोलो बोलो झूलेलाल भगवान की जय। पूरा सयाजी द्वारा आज ये कार्यक्रम जो असा मुख्य अतिथि मुझे नंढो भा राजू खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष असा ये मंच से उपस्थित असाजी भाभी सोनी आहूजा असा एकमात्र पार्षद असाजे पंचायत जो सभी पदाधिकारी मुखी साहब सही पदाधिकारीगण सही संगत साख संगत के राम राम। महाराज जिन्होंने आज जब उनका जन्म हुआ किसके लिए हुआ कि उन्होंने जब अक्रांता जब हिंदू धर्मांतरण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन अक्रांताओं से लड़ने के लिए हमारे हिंदू बंधुओं ने सिंधु नदी के पास प्रार्थना की। धन जाते न भंडारा भरपूर जने तिलक दी जय जयकार गौ ब्राह्मण जी थे रक्षा पंचन जी थे जय जयकार जय जी तेरी इच्छा सबनी जी तू आश पुजा प्रभु जय दोला देवा पूजा कनता प्रेमी सेवा सिद्ध कर
विवाह से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारा महिला मंडल, युवा मंडल, समग्र सिंधी समाज आज सड़कों पर जाकर नाच गाने गाके अपने इष्ट देवता के मगन हो गया है। निश्चित रूप से ये हमारे समाज का एकता का प्रतीक है। पूरे देवास जो पंचायत है, पूरे देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही पंचायत के नाम से पूज्य सिंधु जो पंचायत है उनके नेतृत्व में आज हम जल समारोह निकल रहा है। समग्र समाज राजी खुशी से यह पूरा त्यौहार मनाता है। इसके बाद भोग का आयोजन किया गया है, यहाँ प्रसादी का आयोजन होगा। एक बड़ा ही उत्साह पूरे समाज में दिखा, पूरे रास्ते पर स्वागत भी बड़ा अलग। देखिए सिंधी समाज सारे समाज से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है और सारे दूसरे अन्य समाज भी सिंधी समाज का स्वागत करते हैं, क्योंकि संबंध जो है हम लोगों के इस तरीके के कि भाईचारा जो आपस में होता है वो सिंधी समाज से ज़्यादा सबसे अच्छा समाज कोई दूसरा हो नहीं सकता। हर समाज से उनका संबंध है, इसीलिए जगह जगह पर फूलों से हारों से हमारे मुखी साहब का स्वागत किया गया। आभार व्यक्त करता हूँ।